ब्रो, मैं हूँ राजेश और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को साउथ के कुछ ऐसे मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। इन मूवीज में आपको अच्छा खासा लव स्टोरी, अच्छा खासा कॉमेडी, अच्छा खासा एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा के साथ एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों के दिल को छू जाएगा। ये सारे मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इनमें से कुछ मूवीज बिल्कुल ही नहीं है, तो अगर आप इन मूवीज के बारे में और ज्यादा जानना या इन मूवीज को देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 सवारी 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो जिसका नाम राजू होता है वो अपने घोड़े को लोगों को रेंट पे देता है। वो लोगों के शादियों पे अपने घोड़े को रेंट पे देता है। पर उसके लाइफ के साथ साथ उसके जीवन में ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब एक बड़ी घर की लड़की उसके शादी से भाग जाती है और उस लड़की का सामना इससे हो जाता है और आगे क्या क्या होता है मूवी में देख लेना। 5.2/9 गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। अच्छा खासा रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, आप लोगों को पसंद आएगा। हिंदी में यूट्यूबर फ्री में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 9 जकाना 2016 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी एक्शन ड्रामा मूवी है। बात करें मूवी की स्टार कास्ट की तो सुनील मनारा और कबीर धवन सिंह जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो अपना इस मूवी का हीरो सुनील जो कि बचपन से उसका एक ही उसूल होता है लोगों की हेल्प करना, वो हर तरह से लोगों की हेल्प करता है, जो वो कर सकता है जो नहीं कर सकता है वो भी। पर मूवी में और उसके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब वो एक गैंगस्टर को बदलने की सोचता है और वो गैंगस्टर इसे मारने की सोचता है। ऐसा क्यों हुआ होता है और आगे मूवी में क्या क्या होता है मूवी में देख लेना। अच्छा खासा लव स्टोरी कॉमेडी और एक्शन देखने को मिल जाएगा और अच्छा खासा स्टोरी भी है। 5.9/9 गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाकर देख लेना। नंबर 8 एनिमी 2021 में रिलीज हुआ एक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको विशाल, ममता मोहनदास, आर्या जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो बचपन से ही एक ही स्किल को सीखने वाले, एक ही जगह से ट्रेनिंग लेने वाले दो बच्चे, दो दोस्त भी आप उन्हें कह सकते हो, वो कैसे फ्यूचर में जाके अलग अलग परिस्थिति में पड़ के एक दूसरे के सामने एनिमी बन के खड़े होते हैं ये आपको मूवी में देख लेना है। भाई बहुत ही कमाल का मूवी है, अच्छा खासा एक्शन रोमांटिक ड्रामा इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। 6.6/9 गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7 कथाकांची की मरना मिति की 2022 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी है। बात करें मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी में चार डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के बारे में दिखाया गया है जो एक मतलब समाधि टाइप कह सकते हैं वहां पे आ जाते हैं और उन लोगों के पर्सनल इश्यूज क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें फिक्स करने के लिए और भी बहुत सी बातें जो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता, जब आप इस मूवी को देखोगे तो समझ जाओगे। बहुत ही कमाल का मूवी, एंटरटेनिंग मूवी, आप लोगों को पसंद आएगा। 6.3/9 गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो मंजुलिका रिटर्न टल के साथ हिंदी में यूट्यूब पर मूवी प्रीमियम अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6 डियर विक्रम 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। बात करें मूवी की स्टोरी की तो विक्रम जो कि अपना इस मूवी का हीरो है पॉलिटिक्स को लेके उसका नजरिया कुछ अलग होता है, कैसा ये तो मैं ऐसे खुल के बता नहीं सकता पर मूवी में देख लेना। और अपना हीरो कैसे नित्या नामक एक लड़की के प्यार में पड़ता है जो कि एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट होती है, वो दोनों आगे जाके शादी भी कर लेते हैं ठीक है, पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों को पता चलता है कि लाइफ को लेके उन दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग अलग है, किस तरह से अलग अलग होते हैं ये आप मूवी में देख लेना। भाई एंटरटेनिंग मूवी, आप लोगों को पसंद आएगा। 7.7/9 गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5 रंगनायकी 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको आदिति, प्रभुदेवा, सुचेंद्र प्रसाद जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो ये मूवी का स्टोरी मतलब ये बताता है कि एक गैंग रेप होने के बाद क्या क्या होता है, मतलब सोशली कैसे आपको मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मतलब और भी बहुत कुछ, मतलब लीगल केसेस कैसे केस को हैंडल करना पड़ता है, केस में जाके क्या क्या पूछा जाता है, ऐसे ही बहुत से बातें हैं जो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता। भाई कमाल का मूवी है ये, 8.6/10 IMDb से मिला है। तो अंदाजा लगाओ मूवी कितना कमाल का होगा। यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 रुबाई 2017 में रिलीज हुआ एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको आनंदी चंद्रन, चिन्नी जयंतन जैसे और भी कई एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो और उसके दोस्त दोनों ट्रक ड्राइवर होते हैं और एक मिनी ट्रक को चला के अपने लाइफ का भरण पोषण करते हैं, मतलब अपने लाइफ में ट्रक चला के ही जीते हैं, पैसे कमाते हैं। पर आगे मूवी में वो कैसे एक और उल्डर और उसके बेटी को हेल्प करते हैं और आगे जाके उनके लाइफ में तब चेंजेस आने शुरू होते हैं जब उनके ट्रक में एक चोरी का बैग मिलता है जिस बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके बाद मूवी में क्या क्या होता है आप मूवी में देख लेना। एंटरटेनिंग मूवी है, 6/10 गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। और ये मूवी हिंदी में सौदा नगर टाइटल के साथ हिंदी में यूट्यूब पर प्रीमियम अवेलेबल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3 सुल्तान 2021 में रिलीज हुआ एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको कार्ति, रश्मिका मंदाना, रामाचंद्र राजू जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो सुल्तान जो कि बचपन से उसकी माँ गुजर गई होती है, वो गुंडों के बीच पला बड़ा होता है, मतलब सारे गुंडे ही उसके एक तरह से माए बाप होते हैं। हाँ अलग बात है उसके पापा होते हैं, पर उसके पापा जब
मर जाते हैं तो आगे क्या होता है, वो गुंडा परिवार का और कोई नहीं होता है सिवाय हीरो के, और हीरो कैसे उन लोगों को बदलता है बचाता है, आप मूवी में देखा ना भाई, एंटरटेनिंग मूवी है, मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं लिख के देता हूँ 6.2 out of 10 IMDb से, 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देख लेना। नंबर 2 कुंफू डंक 2008 में रिलीज हुआ एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो जो कि बचपन से ही अनाथ होता है और वो एक मार्शल आर्ट सेंटर में बड़ा हुआ होता है, मतलब वो मार्शल आर्ट में पूरा का पूरा मास्टर होता है एक टाइप के बोले जाए तो। उसके बाद आपको देखना है कि अपना हीरो जब कॉलेज जाता है और वहां पे जाके जब बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करता है तो आगे क्या होता है, आप मूवी में देख लेना, एक कमाल का मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, 4.8 out of 10 IMDb से, 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देख लेना। नंबर 1 पक्का कमर्शियल 2022 में रिलीज हुआ एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको गोपी चंद और राशि खन्ना जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो जो कि एक लॉयर होता है वो मनी माइंडेड होता है और उसके पापा जो कि बहुत अच्छे आदमी होते हैं वो एक्स जज भी रह चुके होते हैं, पर कुछ कारणों के कारण उन्होंने रिजाइन किया होता है, वो क्या कारण होता है और मूवी में और क्या क्या है, अच्छा खासा एक्शन कॉमेडी रोमांस मतलब अच्छा खासा लव स्टोरी ऐसे ही कुछ देखने को मिल जाएगा। एंटरटेनिंग मूवी है, 5.4 out of 10 IMDb से और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है, भाई अच्छा खासा मूवी है और एमवी यूट्यूब पर अनऑफिशियली डब्ड होकर अनऑफिशियली अवेलेबल है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो चलाओ तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर ही लेना यार प्लीज़।